हेलो भोंदु सर, तो यार ये क्वेश्चन है, एक जहाँ सेंट्रोइड ट्रायंगल सेंट्रोइड पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो पूछा है कि प्लस क्यू जो ये अपोजिट वर्टेक्स पे जो प्लस क्यू तीन चार्ज रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हर साइड 60 डिग्री होता है, तो पूछा है इस पे टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर से जो वर्टेक्स जो मीडियन जाता है और तीनों वर्टेक्स के जहाँ मिलता है उसको सेंट्रोइड बोलता है, तीनों वर्टेक्स जहाँ मिलता है उसको सेंट्रोइड बोलता है, सेंट्रोइड इसको डिवाइड करता है 2:1 में। तो देखो ये भी 2 हुआ, तो ये भी 2 हो गया, तो 2:1, तो ये दोनों बराबर है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है, तो प्लस प्लस रिपल्सन करेंगे तो रिपल्सन करेंगे तो देखो प्लस क्यू इसको धक्का देंगे तो ऐसे जाएगा, ये प्लस क्यू इसको जाएगा तो ऐसे, ये प्लस क्यू इसको धक्का प्लस क्यू को इधर, तो देखो ऐसे गया तो ये दोनों का रिजल्टेंट ऊपर गया, ये वाला इसका रिजल्टेंट इधर गया, तो ये दोनों मिला के इसको कैंसिल कर देंगे, टोटल नेट फोर्स जीरो हो गया। तो बाय।